मौन व्रत के बारे में तो आपने सुना ही होगा, जहाँ पर कुछ लाचार पति अपनी पत्नियों से उम्मीद रखते हैं और उम्मीद द्वारा शुरू होती है जिसका नाम होता है विश्वास, और उसी विश्वास द्वारा कायम रहती है कुछ चीजें और उसी विश्वास द्वारा नाम चलता है जिसका नाम है एकमात्र जवान। मूवी तो होने वाली एसआर के करियर की सबसे बड़ी कमबैक मूवी भी और सिनेमाघरो के तमाम बड़े रिकॉर्ड तोड़ने के भी लिए, लेकिन इसके मेकर्स ने लोगों के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ भी कर दिया और कहीं ना कहीं अपने मुंह को ताला भी लगा लिया और मौन व्रत भी कर लिया है। तो फाइनली अब ये न्यूज क्लियर हो चुकी है, मूवी को पोस्टपोन किया जा चुका है। मूवी के जो मेकर्स है उन्होंने ये चतुराई अपनाई है, अपनी मूवी को बर्बाद करने के लिए एक नया नजरिया अपनाया है। वैसे तो मूवी को सिनेमाघरों में 2 जून को रिलीज किया जाना था, लेकिन मूवी के लिए जो कंप्लीट जो चीजें उठ रही थी उसके बाद में पहले आता है टीजर, टीजर के बाद में ट्रेलर की न्यूज आती है और लोगों ने कम्प्लीटली ट्विटर पर जाकर लोगों से दुआएं मांगी थी कि इस मूवी का कुछ तो हमें दो, कुछ टीजर दे दो या टीजर ना दो तो पोस्टर हमारे मुंह पर मारो, लेकिन कुछ तो दो। लेकिन कम्प्लीटली वहां पर इसके मेकर्स ने अपना मुंह बंद कर लिया था। अब मुंह बंद करने के पीछे काफी बड़े मकसद हो सकते हैं, या तो आपने गलती कर दी तो आपका मुंह बंद करना माना जाता है, या आप कुछ बड़े विवाद करना चाहते हो तो उसके लिए भी आपका मुंह बंद करना माना जाता है। अब इसके मेकर्स ने अपना मुंह बंद किया है, इसके मेकर्स को भी नहीं पता और लोगों को भी नहीं पता। लोग कई लंबे समय से वेट कर रहे हैं कि इस मूवी की कुछ तो अपडेट दे दो, लेकिन इस मूवी के मेकर्स ने कम्प्लीटली अपने हाथ खड़े कर दिए है और अपनी मूवी को डुबाने का एक नया मौका दिया है। मूवी को जो रिलीज डेट आ रही है वो अगस्त के महीने में आ रही है और अगस्त के महीने में ये मूवी किसी का भी मुकाबला नहीं कर पाएगी। मूवी के लिए जो परफेक्ट समय था वो 2 जून ही था, क्योंकि इसके लिए काफी अच्छे पॉइंट ऐड हो रहे थे, काफी अच्छी वैल्यूज ऐड हो रही थी, क्योंकि ऑलरेडी से पठान जो कि सिनेमाघरों के तमाम बड़े रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं और साल 2023 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी बन चुकी है। लेकिन लोगों को असली सच तब हुआ जब अप्रैल और मई के महीने में ये सुने चले गए, ना तो उन्हें पोस्टर देखने को मिला और ना ही टीजर देखने को मिला, उसके बाद में असली सैलाब शुरू हुआ ट्विटर पर जाकर। अब ये तो क्लियर हो चुका है कि ये मूवी पोस्टपोन हो चुकी है, क्योंकि ऑलरेडी से मूवी को एक महीना भी नहीं बचा है, तो एक महीने में आप क्या क्या कर लोगे? क्या इसका टीजर रिलीज करोगे? क्या आप इसका ट्रेलर रिलीज करोगे? क्या इसके गाने आप रिलीज करोगे? उसके बाद में अगला सवाल ये उठता है कि ये मूवी आदिपुरुष से डर चुकी है, क्योंकि आदिपुरुष जिसने वापस कमबैक किया है, क्योंकि पहले ये मूवी कम्प्लीटली फ्लॉप हो चुकी थी और 500 करोड़ रुपए इसके भी डूब चुके थे। जब इसका ट्रेलर आया था तो लोगों ने बोला था कि ये एक कार्टून गेम होने वाला और वाकई में वो कार्टून गेम लग रहा था, लेकिन उसके बाद में इसके मेकर्स ने लोगों के मुंह पर पोस्टर मारे थे और वहां पोस्टर से क्लियर हो चुका था कि ये मूवी ब्लॉकबस्टर रहेगी। उसके बाद में जवान के मेकर्स ने अपने 2 कदम पीछे रख लिए और उसके बाद में जवान के मेकर्स की तरफ से न्यूज ये आ रही है कि हमारा जो काम है वो थोड़ा सा अधूरा रह गया है, इसी वजह से हम इसकी रिलीज डेट को टाल रहे हैं। अब इतनी बड़ी लापरवाही आपकी मूवी पर भारी पड़ेगी या आप पर भारी पड़ेगी या एसआरके के फैंस पर भारी पड़ेगी वो तो इसका रिलीज टाइम भी बताया जाएगा, लेकिन अब इस मूवी को किसी भी तरीके से कोई डेट नहीं मिलने वाली है। अगर बात करें तो ऑलरेडी से जून का महीना हाउसफुल होने वाला है, क्योंकि आदिपुरुष की चर्चा एक लंबे समय से चल रही है। उसके बाद में बारी आती है जुलाई के महीने पर, तो जुलाई के महीने में भी कुछ अच्छी चीजें हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन सबसे बड़ा कमेंट उठ रहा है अगस्त के महीने का। अगस्त के महीने में ये मूवी किसी का भी मुकाबला नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऑलरेडी से इसकी जो हाइप है वो कमजोर हो चुकी है और लगातार ये घुटने टेकती हुई नजर आ रही है। और अगस्त के महीने